Hello my dear students, after the completion of the digestion process, now we are proceeding to the next process of the life processes, that is the respiration. So our today topic is respiration, and in this topic we will discuss about the processes that occurs after the process of digestion. For your kind information, I am telling you कि what we have discussed in the process of digestion. इससे पहले टॉपिक के अंदर मैंने आपको ह्यूमन डाइजेशन जो है वो कराया था, और उसके अंदर आपको पढ़ाया गया था कि जो फूड कंपोनेंट हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, What happens to those food components? उन food components के साथ क्या होता है? तो digestion के अंदर हमने पढ़ा कि the food components that are present in the complex form, they are broken down into simpler form by the process of digestion. और मैंने आपको बताया था कि carbohydrates की simplest form क्या होगी, proteins की क्या है, और fats की simplest form जो है वो क्या है. So after digestion, food जो है हमारा absorb हो गया था from small intestine and other parts of the डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अब वो जो एब्जॉर्ब फूड है, व्हाट विल हैपन टू दैट एब्जॉर्ब फूड, उस एब्जॉर्ब फूड के साथ क्या होगा, उसी के बारे में हमें हमारी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस बताएगी, दैट इज रेस्पिरेशन. सो फर्स्टली लेट्स नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड रेस्पिरेशन. व्हाट इज द वर्ड? द यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ द absorb food to get energy. जो भी food हमारी intestine से absorb हुआ था, उस intestine के ऊपर अब जो further action होगा, that is basically termed as respiration. और वो action होने के बाद हमें मिलेगी energy. तो देखिए, जो absorb हुआ था, basically हम carbohydrates से बात करते हैं. हमने पढ़ा था कि जो carbohydrates हैं, they are present in complex form. And from this complex form, they are converted to the simplest form. And the simplest form of the carbohydrate is the glucose. Glucose is the simplest form. So, अब ये जो form है, ये हमारी form absorb हुई है intestine से blood के अंदर. Intestine से blood में ये glucose जो है वो enter कर चुका है. So, अब हमारी जो absorbed form होगी, this is the glucose. तो हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज के साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द ग्लूकोज, ग्लूकोज के ऊपर क्या एक्शन होगा, यानी कि रेस्पिरेशन जो है वो अब कार्बोहाइड्रेट का नहीं हो रहा है, बल्कि किसका हो रहा है, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा. तो देखिए, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के भी फूड है, तो इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करती है. When oxygen combines with any of the energy-giving food material, then the process is known as respiration. देखिए, जब भी किसी चीज के साथ oxygen जुड़ती है, तो हम उसको respiration भी कहते हैं, और यहाँ पर जो process हो रही है, that is oxidation. This is oxidation. यानी कि food का हो रहा है oxidation. तो देखिए, glucose के साथ oxygen जुड़ेगी, तो हमें क्या मिलेगा? What will we get? We will get energy. हमें energy मिलेगी in a huge amount. Along with energy, we will release out carbon dioxide gas as a waste product and some water also in the form of vapors. So this is the equation for the process of respiration. What we are getting here, when oxygen combines with the absorbed glucose. जब oxygen absorbed glucose के साथ combine करती है, तो हमें एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, और साथ में कुछ वाटर वेपर्स जो है वो भी रिलीज होती हैं. तो ये जो एनर्जी हमें मिलती है, ये किस फॉर्म में मिलती है? जो एनर्जी हमें रेस्पिरेशन में मिलती है, दैट वी गेट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी क्या है? इट इज नोन एज द करेंसी ऑफ एनर्जी. जिस तरीके से हम कोई सामान खरीदते हैं और हमें पैसा देना पड़ता है, तो उसी तरीके से बॉडी हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी यूज करती है, एंड द एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी हियर? इट इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी. Adenosine triphosphate. अब यहाँ पर देखिए बेटा, इस तरीके से रेस्पिरेशन होगा. तो सिंपली क्या है कि फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन गैस. हमें किस चीज की जरूरत है?
ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है वो प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग। व्हाट इज द प्रोसेस? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है वो छोटी क्लासेस के अंदर हमने यही पढ़ा था, हम रेस्पिरेशन को ही डिफाइन कर देते हैं ऐसे, किस तरीके से कि द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। लेकिन अब आप 10th क्लास में हो चुके हैं तो आपकी डेफिनेशन बदल जानी चाहिए, आपकी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन होगी ये द यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड टू गेट एनर्जी, और आपकी ब्रीदिंग की डेफिनेशन होगी द इनटेक ऑफ O2, इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, ये ब्रीदिंग कहलाता है बेटा। यानी कि अब आप यहां से समझ जाएं कि जो ब्रीदिंग है दैट इज अ स्टेप अंडर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन होगा इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ये तो बात आप बिल्कुल भूल जाएं। तो किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन कैसे बॉडी के अंदर जाएगी? बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो इसके बाद जब हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ब्रीदिंग सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो अब देखिए यहाँ से कुछ बेसिक बातें मैंने रेस्पिरेशन के बारे में आपको क्लियर कर दी हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है, इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, और जो ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है वो हमें कैसे मिलेगी। अब देखिए यहाँ से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिस फॉर्म के अंदर हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो लेट्स मूव फर्दर इन द डीप डिटेल स्टडी ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ से किस तरीके से प्रोसेस अक्कर करती है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक यहाँ पर जाते हैं। देखिए हम कहते हैं कि ये एक सेल है, दिस इज अ सेल। अब सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो सेल के अंदर एंटर करता है, ब्लड से फूड गया सेल के अंदर। तो ये जो इधर जो मटेरियल भरा पड़ा है ये वाला, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये है ऑर्गेनेल्स। इन्हीं ऑर्गेनेल्स में से हम कह देते हैं कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब देखिए बेटा क्या होगा कि एब्जॉर्ब फूड जाता है इसके अंदर, एंड फॉर एन इंस्टेंस हम कह देते हैं कि एब्जॉर्ब फूड हमारा ग्लूकोज, तो बाहर से अंदर एंटर करता है ग्लूकोज। देखिए डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं चला जाएगा ग्लूकोज, पहले किसके अंदर गया, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है तो क्या होता है, ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट के अंदर। अब देखिए ये जो प्रोसेस है वेयर इज इट अकरिंग, इट इज अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ पर्टिकुलर सेल। ये प्रोसेस कहां पर हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरूवेट में। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इट इज C6H12O6, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज से दो पाइरूवेट बनते हैं, तो दो पाइरूवेट जो बनेंगे दैट इज C3 एंड C3, तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कितने कार्बन के साथ था, 6 कार्बन के साथ, लेकिन जो पाइरूवेट बना है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पाइरूवेट के मॉलिक्यूल बने, 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल हमारे पास बन गए। नाउ देखिए आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज द साइट फॉर रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन के लिए साइट है। तो अब क्या होगा, दिस पाइरूवेट बदल चुकी है बात, यहां पर ग्लूकोज कन्वर्ट हो चुका है पाइरूवेट के अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है पाइरूवेट के अंदर। तो ये पाइरूवेट अब एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और अब नेक्स्ट जो एक्शन है दैट विल हैपन इन द माइटोकॉन्ड्रिया।
तो देखिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा कि जो पायरुवेट है, पायरुवेट इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, द ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द पायरुवेट। हमने बेसिक इक्वेशन में लिखा था कि ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द ग्लूकोज, वो आप वैसे ही लिखेंगे, लेकिन डीपली जब आप इसको समझेंगे तो ऑक्सीजन एक्चुअल में किसके साथ कंबाइन करती है, पायरुवेट के साथ। पायरुवेट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, वी विल गेट एटीपी दैट इज एनर्जी, वी विल आल्सो रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, कभी आप देखते हो अपनी जो सांस है, जो आप एयर एक्सहेल करते हो, सांस बाहर छोड़ते हो, उसको किसी मिरर के ऊपर छोड़कर देखना, जो मिरर है वो धुंधला हो जाएगा। इसके पीछे रीजन है कि हमने जो सांस बाहर छोड़ी है उसमें वाटर वेपर है, और वो वाटर वेपर कहाँ से आते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड भी रेस्पिरेशन का ही जो है वो बाय प्रोडक्ट है, वो रेस्पिरेशन में रिलीज आउट होती है, और वाटर वेपर्स भी जो है वो रेस्पिरेशन में ही रिलीज आउट होते हैं। तो अब देखिए ये बेसिक प्रोसेस की होगा क्या, अब इसके बाद एक सिचुएशन क्रिएट होती है, क्या हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना अमाउंट ऑक्सीजन का चाहिए उतना प्रेजेंट होता है। बहुत बार बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जब ऑक्सीजन की कमी बॉडी के अंदर होती है तो क्या रेस्पिरेशन की इक्वेशन यही रहेगी या बदल जाएगी? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जो ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनको एनर्जी देने के लिए भी यही रेस्पिरेशन होगा? लेट्स स्टडी अबाउट दिस। तीन इक्वेशन में टॉपिक यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से इसको देखना, और तीन ही टॉपिक के अंदर हमारा जो तीन इक्वेशन के अंदर टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, ग्लूकोज। बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था, पाइरुवेट के अंदर। ठीक है, अब ऑक्सीजन कंबाइन करेगी किसके साथ, पाइरुवेट के साथ। तो यहां पर तीन सिचुएशन बनती हैं। अब तीन सिचुएशन देखते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन है। पहली सिचुएशन हमारी बनती है कि ये जो पाइरुवेट है, ये यहां पर जो एक्शन हो रहा है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। खूब सारी ऑक्सीजन है हमारे पास, खूब सारी ऑक्सीजन है। तो अगर आपके पास खूब सारी ऑक्सीजन है तो देखिए क्या होगा, पाइरुवेट के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो आपको मिलेगी खूब सारी एटीपी, यानी कि यू विल गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। साथ में आप रिलीज आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस यू विल रिलीज आउट द वाटर वेपर्स। ठीक है, जब बहुत सारी ऑक्सीजन होगी तो जो भी पाइरुवेट है वो कोई रिमेनिंग प्रोडक्ट नहीं छोड़ने वाला, कोई वेस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बल्कि खूब सारी एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बाहर आ जाएंगे। अब देखिए एक सिचुएशन होती है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि बहुत बार क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी मसल्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब आप रनिंग करते हैं तो आपके जो पैर है वो दुखने लग जाते हैं, भारी भारी हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो देखिए रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, यहाँ पर एटीपी बनेगी लेकिन उससे भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनेगा और साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो अमाउंट है वो कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, CO2 आपकी यहाँ पर साथ में रहेगी। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, थर्ड कंडीशन, ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो खत्म है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, What will you get? यहाँ पर आपको मिलेगा एक एसिड और यहाँ पर आप उसको सिंपली बोलोगे एल्कोहोल, एल्कोहोल, और एल्कोहोल के साथ मिलेगी आपको
एनर्जी और साथ में यहाँ पर आपको मिलेगी CO। तो देखिए यहाँ से कुछ सिचुएशंस क्लियर हुई हैं, एल्कोहल है और यहाँ पर बेसिकली अगर हम एनर्जी की बात कहें तो लगभग ना के बराबर ही चली जाती है, ठीक है। तो देखिए ये तीन सिचुएशन है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है वो भी रेस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन की कमी में हो रहा है वो भी रेस्पिरेशन है, लेकिन जो ऑक्सीजन के बिना होगा क्या वो भी रेस्पिरेशन होगा। और ये मेनली हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, देखिए ये मेनली हमें देखने को मिलता है ईस्ट के अंदर। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस, और ये ईस्ट के अंदर हमें जो प्रोसेस देखने को मिलती है इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज फर्मेंटेशन। फर्मेंट, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो उससे पहले जो आटा होता है डफ बनाया जाता है, डफ डफ उसके अंदर ईस्ट ऐड करते हैं। केक पेस्ट्री जो बनाई जाती है उसके अंदर जो पफी अपीरियंस होता है ना इस तरीके से, जो ये होल्स आपको दिखाई देते हैं वो होल्स इसी वजह से दिखाई देते हैं कि उसके अंदर क्या ऐड होता है, ईस्ट। और ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में बहुत सारी जो CO2 है वो बाहर आती है और जिसके कारण उसके अंदर स्पंजी जो है टेक्सचर आ जाता है। तो यहाँ पर अब आप देखें बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफरेंस नहीं बताई है रेस्पिरेशन के, क्योंकि अब आप समझ गए, अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि एक रेस्पिरेशन ऐसा है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और दूसरा रेस्पिरेशन ऐसा है जो कि ऑक्सीजन की कमी में या ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और ये मेनली कहाँ पर बनता है, इट मेनली हैपन्स इन आर मसल्स, हमारी मसल्स के अंदर बनता है, और यहाँ पर ये कोज करता है क्रैम्प्स। इट कोजेस मसल क्रैम्प्स, यानी कि मसल्स के अंदर जो अकड़न आती है, जो भारीपन आता है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड फॉर्म्स ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर ये जो है ये हैपन हो रहा है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास दो तरीके के रेस्पिरेशन हो गए, दो तरीके के कौन कौन से, एक वो जो कि फुल्ली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो जो फुल्ली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो दूसरा रेस्पिरेशन है उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब होता है एयर, एरोबिक एयर वाला, तो ये अक्कर होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ये अक्कर करता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, हमें एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, और इसके अंदर अभी पढ़ा था लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एटीपी, लेस अमाउंट ऑफ एटीपी। यहां पर बात करें नो एसिड फॉर्मेशन, यहां पर बात करें एसिड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, एंड इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। आपके एनसीईआरटी के अंदर वो फ्लो चार्ट दे रखा है जो कि मैंने अभी पीछे बनाया। सो ये आपका आज के लिए टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो यही प्रोसेस है जिससे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो एनर्जी मिलती है। फर्दर रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, और थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग वो हम डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन रिवाइज द टॉपिक, हैव अ नाइस।